किसी ने कहा है, परिस्थितियां कभी समस्या नहीं बनती, समस्या इसलिए बनती हैं क्योंकि हम उन परिस्थितियों से लड़ना नहीं जानते। जय हिंद साथियों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करता हूं। एक छोटी सी कहानी जो हमें ज़िंदगी में बहुत कुछ सिखाती है, हमें उन परिस्थितियों से लड़ना सिखाती है। ये कहानी है एक छोटे बच्चे की, जो एक गरीब परिवार है। उसके पिता एक इमारत पर काम करते हैं, वहीं पे वो रोज खेलता है। उसके कुछ वहां साथी भी बन गए हैं, वो रेलगाड़ी खेलते हैं। छोटे बच्चों का ग्रुप है, उनमें से कभी एक बच्चा रेलगाड़ी का इंजन बन जाता है तो बाकी बच्चे डिब्बे बन जाते हैं। वो रोज ऐसा ही खेल खेलते थे। एक व्यक्ति उनको बहुत दिनों से देख रहा था। एक बच्चा था उनमें से जो ना इंजन बनता था ना डिब्बा बनता था, वो एक मास्टर बनता था जो सिग्नल का काम करता था खेल में। वो रोज ऐसे ही खेल खेलते। एक दिन उस आदमी से रहा नहीं गया, वो आदमी उसके पास गया और पूछा, सभी बच्चे खेल खेलते हैं पर तुम रोज गार्ड बनते हो, तुम्हें कभी इंजन का डिब्बा नहीं बनना अच्छा लगता? तुम रोज मतलब सिग्नल दिखाने जैसा बनते हो गार्ड, तुम कभी इंजन क्यों नहीं बनते, तुम कभी डिब्बा क्यों नहीं बनते? इस बात में उस बच्चे ने एक ऐसा जवाब दिया जिसको आप भी सुनकर अपनी परिस्थितियों से लड़ना सीख जाएंगे, कभी परेशान नहीं होंगे। उस बच्चे ने जवाब दिया, मेरे पास पहनने के लिए कोई शर्ट नहीं है, मेरे पीछे वाले बच्चे मुझे पकड़ेंगे कैसे? मैं इस खेल में हिस्सा तो ले सकता हूं, अगर मैं इंजन बन जाऊंगा तो मुझे पीछे बच्चे पकड़ेंगे कैसे, क्योंकि मेरे पास शर्ट नहीं है। आज वो बच्चा उस व्यक्ति को जिंदगी का बहुत बड़ा पार्ट पढ़ा गया था, परिस्थितियों से उसने लड़ना सिखा दिया था कि अपना जीवन कभी भी परिपूर्ण नहीं होता, उसमें कोई ना कोई कमी जरूर रह जाती है। वह बच्चा माँ बाप पे गुस्सा हो सकता था, रूठ कर उनसे बैठ भी सकता था, जिद कर सकता था मुझे शर्ट चाहिए, परंतु ऐसा ना करते हुए उसने परिस्थितियों से लड़ना सीखा, उसका समाधान ढूंढा। हम कितना रोते हैं, कभी अपने सांवले रंग के लिए, कभी अपने छोटे कट के लिए, कभी पड़ोसी की कार देखते हैं तब रोते हैं, कभी पड़ोसन के गले का हार देखते हैं तब रोते हैं, कभी हमारे कम मार्क्स आते हैं तब हम रोते हैं, कभी अपनी टूटी फूटी अंग्रेजी पर रोते हैं, कभी अपनी पर्सनालिटी पर रोते हैं, कभी नौकरी की मार पर रोते हैं, कभी धंधे की मार पर रोते हैं। हमें इससे बाहर आना पड़ता है, ये जीवन है, इसे ऐसे ही जीना पड़ता है। चील की ऊंची उड़ान देखकर चिड़िया कभी डिप्रेशन में नहीं जाती, वह अपने अस्तित्व में मस्त रहती है, मगर इंसान इंसान की ऊंची उड़ान देखकर बहुत जल्दी चिंता में आ जाते हैं। तुलना से बचें, खुश रहें, ना किसी से ईर्ष्या ना किसी से कोई होड़, मेरी अपनी है मंजिल मेरी है अपनी दौड़, इसी के साथ जिंदगी को जिएं। जय हिंद जय भारत। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।